और मैं अभी टनल को देखने के लिए मेरे लिए खुली जीप की व्यवस्था की गई थी, तो मैं भी नियम कानून डिसिप्लिन के कारण थोड़ी देर तो जीप में चला, लेकिन बाद में उतर गया और यहां आने में जो 10-15 मिनट देरी हुई उसका कारण भी यही है। फिर मैं पैदल चलने लगा। पैदल इसलिए मैं चला, साइड में जो आर्टवर्क हुआ है उसको चाव से देखने के मारा मन कर गया। एक एक चीज में देखता चला गया। मैं कह सकता हूं पीयूष जी ने तो वर्णन किया ये ऋतुओं का उसमें है, ये ठीक है, जब हम चर्चा कर रहे थे तब बातें बताई थी, लेकिन चर्चा के समय हमने जितनी बातें बताई थी मुझे यहां उसमें भी वैल्यू एडिशन लगा, नयापन लगा, अच्छा लगा। एक जो मैं अंदर टनल्स देख करके आया तो मैं कह सकता हूं ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का उत्तम एजुकेशन सेंटर है। मैं नहीं जानता हूं दुनिया में कहां क्या होगा, लेकिन ये देखने के बाद मैं कह सकता हूं शायद टनल के अंदर कहीं पर भी इतनी लंबी आर्ट गैलरी नहीं होगी, इतनी बड़ी लंबी आर्ट गैलरी बन गई है। भारत को सरसरी नजर से अगर समझना है, उसकी विविधताओं को, उसके उमंग उत्साह की पलों को पाना हो, तो ये टनल की यात्रा करके कोई आएगा वो विदेशी होगा तो भी वो महसूस करेगा, अच्छा नागालैंड ऐसा है, केरल ऐसा है, जम्मू कश्मीर ऐसा है, यानी इतनी विविधताओं से भरी हुआ हुआ वो आर्ट वर्क है और वो भी हाथों से तैयार किया हुआ काम है। ये सब देखने के बाद मैंने जो भाषण दिया अब तक उससे मैं थोड़ा विपरीत सुझाव देना चाहता हूं। मैं नहीं जानता हूं एक्सपर्ट लोग मेरे सुझाव को कैसा लेंगे। मेरा सुझाव है, वैसे भी संडे को थोड़ा ट्रैफिक कम होता है, क्या संडे 4-6 घंटे जो टनल जिस काम के लिए बनी है उसके बजाय उल्टा काम करने के लिए मैं सुझाव दे रहा हूं। संडे को 4-6 घंटे किसी भी व्हीकल को वहां एंट्री न दी जाए और हो सके तो स्कूल के बच्चों को पैदल ये आर्ट गैलरी दिखाई जाए, बहुत बड़ी सेवा होगी। और मैं तो कहूंगा विदेश मंत्रालय को कि सबसे पहले यहां जो एम्बेसडर है, उनके मिशन हैं सारे सारे मिशन के लोगों को ले जाइए और उस टनल में पदयात्रा कराइए। वहां जाते ही पता चला हाँ अब ये गांधी जी आए, पता चलेगा हाँ ये कुछ भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई कुछ चीज है, यहां देखते ही पता हाँ ये असम के नृत्य दिख रहे हैं, इसके साथ साथ अच्छी टेक्नोलॉजिकली ऑटो पायलट ईयरफोन के द्वारा गाइड की व्यवस्था भी हो सकती है, और कभी कभार तो भले कम क्यों ना 10 पैसा क्यों ना हो लेकिन टिकट करके लोगों को भेजेंगे तो उसको फालतू लोगों का जाना आना भी बंद हो जाएगा और सही तरीके से उपयोग होगा, उसका काउंटिंग भी होगा। मैं सच बताता हूं दोस्तों, शायद मुझे सौभाग्य नहीं मिलता क्योंकि एक बार शुरू हो जाता तो कोई मुझे उतरने भी नहीं देता, लेकिन आज वो खाली था तो मैं पैदल टहल करके आ गया। वाकई वाकई जिनको आर्ट में रुचि है, आर्ट के माध्यम से चीजों को समझने की रुचि है, उनके लिए उत्तम अवसर दिल्ली के सीने पर तैयार हुआ है जी। कुछ प्लान किया जाए इसका विशेष, और दुनिया में मैं जब गुजरात में था तो मैंने कुछ दिन एक प्रयोग किया था, लंबा तो मेरा नहीं चला,
अहमदाबाद में एक बहुत ही ट्रैफिक वाला रास्ता था, तो मैंने एक तय किया था कि महीने में फलाना दिवस, आज भी तो मैं भूल गया, उस रोड पर कोई व्हीकल अलाउ नहीं करेंगे, वो रोड बच्चों के लिए होगा, एवरी चाइल्ड मैटर्स, वो बच्चे उस पर क्रिकेट खेलना है तो फिर उसको लगना चाहिए, मेरी भी तो इस शहर में कोई औकात है, उसको लगना चाहिए। कुछ दिन उसका बहुत ही आकर्षण हुआ था, जो रोड भरा भरा रहता था वहां बच्चों को खेलने का मौका मिले उनके, तो उनका मन भर जाता है। मैं मानता हूं सप्ताह में एक दिन जब ट्रैफिक कम होता है, हो सकता है संडे मिल जाए, 4-6 घंटे इसको प्योरली पैदल चलने के लिए एक बड़े अभियान के रूप में चलाया जाए और VIP लोग पैदल चले। मैं तो कहूंगा जब पार्लियामेंट शुरू होगी तो मैं सब MPs को कहूंगा कि परिवार के साथ अगर ये योजना बनती है तो जरा पैदल टहल करके आ जाइए, और इसकी शुरुआत करनी है तो जो 8 क्रिटिक राइटर्स होते हैं मीडिया के, 8 क्रिटिक जो राइटर्स होते हैं उनको एक दिन स्पेशल कार्यक्रम करके ले जाइए। मैं पक्का मानता हूं वो कुछ तो अच्छा लिखेंगे ही लिखेंगे। इस बात को सही ढंग से पहुंचाने के लिए अच्छा काम हुआ है जी, इसका हम उपयोग करें।